पर विराजमान परमपिता को मेरा प्रणाम। परमात्मा पूर्ण पुरुष अनंत अनेकों नाम उसको दिए गए, अनेकों नामों से उनको पुकारा गया, अनेकों प्रकार से साधनाएं की गई। आजकल एक विषय चला हुआ है श्री राम जी के ऊपर, बहुत सवाल किए लोगों ने मुझसे भी कि राम थे नहीं थे। आप सबको पता है क्या क्या सवाल हैं, तो ये कि हम सनातन शुरुआत से होते हुए भी, सब धर्मों की जड़ होते हुए भी, ये ज़्यादा क्यों, कैसे सब फैल गए, ये सनातन पीछे क्यों रहा, इनके मानने वाले क्या प्रचार प्रसार नहीं कर पाए, समझा नहीं पाए, लोगों तक संदेश नहीं पहुंच पाया, क्या कारण रहे। इस प्रकार से बहुत लोगों ने अलग अलग सोच के अनुसार जो जितना समझ सकता था, जिसने जितना सोचने का प्रयास किया। देखो, सनातन जब धरा ये पृथ्वी, जब सृष्टि चली प्रारंभ से ही, वो जो जीवन शैली हमारे ऋषियों ने अपनाई, जिसके माध्यम से संतान उत्पन्न हुई, ये सृष्टि आगे बढ़ी, हमारे ऋषियों ने खोज की, ज्ञान के साथ शांति के साथ एक अच्छी सोच के साथ अच्छे स्वभाव के साथ और एक अच्छा उद्देश्य लेकर के, और जो उन्होंने खोज की उसको एक दूसरे के साथ जुड़ते हुए उन्होंने अपने शिष्यों को, उन्होंने अपने अनुयायियों को पीढ़ी दर पीढ़ी चलाना शुरू किया। वो सोच पुस्तकों का रूप लिया उन्होंने, और फिर धीरे धीरे क्या हुआ, शाखाएं बनने लगी पुस्तकों की। शाखाएं बनने के बाद अनेकों पुस्तकें होने लगी। फिर जो वेदों के अंदर संग्रह किया था सब ऋषियों की वाणियों का, उनके प्रत्येक ऋषि के अपने अपने ग्रंथ उन्होंने जो लिखे, वो इतने हो गए कि जो ये ज्ञान था वो इतना इकट्ठा हो गया। लोग ये सोचते रहे किसको माने किसको ना माने, किसको धारण करें किसको नकार दें, कौन सी बात, कौन सा रास्ता चलने के योग्य है, कौन सा रास्ता नहीं चलने योग्य है, ये बहुत भ्रम पैदा हो गए। क्योंकि जितने भी मार्ग हुए, जितने भी हमारे ऋषि मुनि उस मंजिल पर पहुंचे, लेकिन रास्ते अलग अलग थे। रास्ते अलग होने के कारण से साधारण लोग अपने आप में ही प्रतिस्पर्धा पैदा हो गई कि मेरे गुरु बड़े हैं, हमारे ऋषि बड़े हैं,
हमारे कुलगुरु बड़े हैं, हमारे पंडित बड़े हैं, हमारे विद्वान बड़े हैं, हमारे ऋषि महर्षि बड़े हैं, इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा पैदा हुई। और फिर जो छोटे छोटे गांव थे, समझो कुछ घर इकट्ठे हुए, एक साथ रहने लगे, फिर थोड़ा जब अवतारों की श्रेणी चलने लगी, राजे होने लगे, राज करने लगे, धीरे धीरे जहाँ जिसकी पकड़ थी वो ऋषि उसी एरिया तक सीमित हो गया और उसकी मान्यता वहीं तक सीमित हो गई, क्योंकि सब स्वतंत्र विचारधारा के थे, ना कोई रोकने वाला था, अपने अपने ज्ञान में सब पूर्ण थे, उस परमात्मा को सब ने प्राप्त किया था, ना एक पुस्तक बन पाई, ना एक रास्ता मिल पाया, ना एक दिशा में आगे बढ़ पाए, ना एक विचारधारा को लेकर के आगे बढ़े, अनेकों विचार हो गए, अनेकों लोग अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार मानने लगे, और जो राजे महाराजे थे, कोई एक राजा एक ऋषि को मानता था, दूसरा राजा दूसरे ऋषि को मानता था, इस प्रकार से संगठन कमजोर होता चला। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे उन विचारधाराओं ने आपस में लड़ झगड़ करके नई विचारधाराओं का रूप लिया और धर्म नाम दिया गया। फिर धर्म से शुरुआत हुई अलग अलग धर्मों की, मुस्लिम सबसे ज्यादा क्यों हैं, क्रिश्चियन सबसे ज्यादा क्यों हैं, इन्होंने हमारी विचारधारा फैल गई। और शांति प्रिय लोग थे, जो लड़ाइयाँ थी वो मात्र वाणी से थी, ज्ञान से थी, शब्दों से थी, शास्त्रों से थी, हथियारों से धर्म की लड़ाई नहीं लड़ी जाती थी। एक दूसरे की विचारधारा शब्दों और शास्त्रार्थ के साथ उसको कैसे भी करके सुलझा लिया जाता था, लेकिन जब धर्मों की शुरुआत हुई, उदय होने लगा, तो टकराव होने लगा। लेकिन जो हमारे पूर्वज थे वो शांति प्रिय लोग थे, उन्होंने धर्म के लिए चूक वहाँ हुई, सब एकमत नहीं हुए, संगठन नहीं बना, फिर फैलते चले गए, अनेकों पुस्तकें हुई कि एक संगठन के नीचे पूरे धर्म ने काम नहीं किया। इस कारण से हम शांति प्रिय लोग शांति के साथ इस ज्ञान का उपदेश करते हुए प्रयासरत रहे कि परमात्मा के मार्ग पर भी चले, मानव जीवन का उद्देश्य भी पूरा हो, जीवन सुख में भी बने, इतिहास भी जिंदा रहे, ऋषि मुनियों के मार्ग जो उन्होंने दिखाया था उसके ऊपर भी चलते रहे। लेकिन ये देखते देखते लोग पिछड़ते गए, बटते चले गए, खेल बदलता चला गया।